पर चलिए एक बार फिर से जोधपुर आपको लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में मौजूद हैं, जनसुनवाई कर रहे हैं और ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से मिलते हुए, और क्योंकि जोधपुर में उनका अपना लगाव है, आत्मीयता है, इमोशंस हैं और इसीलिए जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के लोगों का प्यार सद्भावना भी नज़र आती है। और आज एक बार फिर से वही नज़र आ रहा है। सुबह जब निकले थे यहाँ से उसके बाद लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग लोगों से मिलते हुए। और अब यहाँ देखिए छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए हैं, दो दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं जोधपुर ही, और ऐसा हर बार आपको देखने को मिला होगा कि जब भी दशहरा होता है या जो पर्व होते हैं वो जोधपुर में ही मनाते हैं वहाँ। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि कितना उनको जोधपुर से प्यार है, प्रेम है, उनका अपना गृह ज़िला है और ये स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में प्यार होता है, इमोशंस जुड़े होते हैं और इसलिए इस तरह जो त्यौहार भी आते हैं तब मुख्यमंत्री एक दो दिन पहले ही निकल जाते हैं। दशहरे पर अक्सर आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री हर साल जब दशहरा आता है तो इसी तरह से जोधपुर पहुंचते हैं और खुद उस पर्व को धूमधाम से मनाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। और इस बार का दशहरा तो बेहद खास है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, दूसरा जो टिकट है, उम्मीदवार है, उनकी घोषणा भी हो गई और पहली जो लिस्ट आई उसमें मुख्यमंत्री का खुद का नाम भी है और इसीलिए इस बार ये दशहरा भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बधाई देने वालों का तांता भी लगा होगा, खुद मुख्यमंत्री जिनसे लोगों से मिलते रहते हैं जब भी जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या आसपास के लोग हैं, उन सब से भी मिल रहे हैं, उनको बधाई, उनसे बधाई ले भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नज़र आ रहे हैं। जो हुजूम, जो प्यार लोगों का मिल रहा है उसको देखकर गदगद भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की जो पहुंचे हुए हैं जोधपुर। जोधपुर के आज की तस्वीरें आपको लगभग ऐसे ही देखने को मिलेंगी आज सारा दिन, और कल भी आपको इसी तरह की तस्वीरें नज़र आएंगी क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जिन्होंने हमेशा जनता से कहा, हालांकि ये तो पूरी प्रदेश की जनता से था लेकिन जोधपुर से अपना लगाव है तो उस जनता के लिए भी हमेशा से वो कहते हैं कि मैं थासू दूर कोनी, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और इसीलिए जब जब वक्त मिलता है मुख्यमंत्री जोधपुर चले आते हैं। और सहयोगी जितेंद्र डूडी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कहाँ पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी वार्ड नंबर 45 में जनसंपर्क के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूल मालाओं से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री सुबह से ही लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, बीच में 2 घंटे के लिए रिजोर्ट समय रखा गया, उस समय सर्किट हाउस रुके थे लेकिन अब जो 2 घंटे के बाद तुरंत ही अब जनसंपर्क के लिए निकल चुके हैं और ये रात 10 बजे तक जनसंपर्क लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वार्ड नंबर 45 में और जो है यहाँ पे महिलाओं और बच्चों से मिल रहे हैं और रूप हो रहे हैं। जितेंद्र, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री के संबोधन भी हैं या जो सम्मान है या जो जनसंपर्क है वही अभी चल रहा है? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वार्ड नंबर 45 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे क्योंकि आज जहाँ जहाँ जनसंपर्क किया वहाँ पे छोटी छोटी सभाएं रखी गई है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। दर्शक जो स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें लाइव हैं, एक जयपुर से है और एक जोधपुर से। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं जिनकी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जनसंपर्क वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं जहाँ भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और या यूं कहें कि आज उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम बनाया गया है। बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम है, उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं, दोनों पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही साथ नमन करते हुए भैरव सिंह शेखावत को
युग पुरुष के तौर पर उनको जाना जाता है, भैरव सिंह शेखावत, जो मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, और जब वो राजस्थान में रहे बेहतरीन कार्य उन्होंने किए, उनकी जीवन शैली ले लीजिए या राजनीतिक कार्यशैली ले लीजिए, हर कोई प्रभावित रहा और आज इसीलिए इतना लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनको याद किया जाता है, उनसे सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ यहाँ देखते हैं आप।